दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एहसान अली। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो मतलब सिम कौन सा कंपनी का सिम लेकर जाएं और कितने का रिचार्ज करा के जाएं, कौन सा कंपनी का सिम वहां चलता है दुबई के अंदर, कौन सा कंपनी का सिम वहां नहीं चलता है दुबई के अंदर, तो उसी के विषय में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी को भी ये मेरा वीडियो मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ऐसे ना देखें, कम से कम वीडियो से अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्यों, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो किसी के और काम आ सकता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। चलो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊँगा जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैं दुबई गया था तो सबसे पहले मुझे ये एक्सपीरियंस था कि आप अगर एयरटेल का सिम लेकर जाएं तो क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो भाई कहीं भी जाना है या घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी कंपनी पर्पज़ से जा रहे हैं या कहीं जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं या जॉब सर्च के लिए भी जा रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई बुलाया है एम्प्लॉयमेंट वीजे, फिर भी अगर आप लिए रहेंगे तो उससे बहुत आसानी आपको होगा क्योंकि आप एयरपोर्ट पर रहेंगे, आपको एक कॉल करने का मौका भी मिलेगा, ये तो बेस्ट है। तो एक छोटा सा रिचार्ज आप अगर बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हैं तो उसका मैं अलग बता रहा हूँ, अगर आप टूरिस्ट परिसर से जा रहे हैं तो उसका मैं अलग बता रहा हूँ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजे पर जा रहे हैं, कंपनी आपको रिसीव करने आ रहा है तो उसका मैं अलग बता रहा हूँ। तो तीन तरीके से एयरटेल में, एक 249 का पैकेज है जो कि आपको 30 डेज का शायद मिलेगा और 45 मिनट आपको मिलेगा और ये 45 मिनट आपका 30 दिन चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग केवल एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जा रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीजे पे पहुँच रहे हैं, पहुँचने के बाद आपको ये लग रहा है कि मतलब केवल मुझे कंपनी रिसीव करने आएगी, केवल उससे कॉल करना है या डायरेक्ट मैं किसी दूसरे से हेल्प ना लेके डायरेक्ट फ़ोन कर ले, तो 249 का आप रिचार्ज कर लो, आपको 45 मिनट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप नेट पे देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी प्लान चेंज भी होता रहता है, तो प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है। अगर आपको जाना है तो सीधा जिस कंपनी का सिम ले रहे हैं आप वेबसाइट पर डालिए www.airtel-international-roaming-pack, तो आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है दोस्तों। अगर कोई वीडियो मेरा लेट में देखा, 6 महीने बाद देखा, 1 साल के बाद देखा, 2 महीने के बाद देखा, तो हो सकता है प्लानिंग चेंज रहे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जा रहे हैं तो यही रिचार्ज है 249 का है। दूसरा जो है हमारा 446 तो जो हमारे दोस्त विजिट वीज़ा पे सर्च करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं और जो घूमने भी जा रहे हैं उनके लिए भी ये प्लान अच्छा रहेगा क्योंकि वो घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के सिम लेने की आवश्यकता नहीं। 75 मिनट आपको मिलेगा 446 रुपये का, तो उसमें आप रिचार्ज अगर कर लेंगे तो उसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 75 मिनट में आप जितना चाहो उतना बात कर सकते हो, मतलब 75 मिनट मिलेगा, अब इतना नहीं कि पूरा दिन रात बात ही करते रहो। तो जो लोग हमारे दोस्त अगर जा रहे हैं घूमने के पर्पज़ से, जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो 446 का रिचार्ज कराएं, उसकी वैलिडिटी 90 दिन की रहेगी, 3 मंथ के वीजे पे जा रहे हैं चाहे 1 मंथ के वीजे पे जा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज यही आपको कराना क्योंकि 75 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहाँ जाने के बाद आप सिम ले लेंगे तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 2 ATCL 2 सिम है, उसका अलग अलग रिचार्ज है, जो भी है मैं पीछे वीडियो में बताया हूँ, आप देख लेना मेरा पिछला वीडियो। तो ये दूसरा हो गया 446 का। तीसरा प्लान जो भाई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहते हैं कि मेरा सिम बंद ना हो, वहाँ 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने रहें, कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल में 7000 का पैकेज है, ठीक है दोस्तों। उसमें आपका एक 5800 का पैकेज है, वो आप नेट पे भी देख लीजिएगा क्या कैसे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनलिमिटेड पैकेज है, इनकमिंग कॉलिंग फ्री रहेगा और जाने के लिए शायद कुछ बैलेंस मिलता है, कुछ मिनट मिलेगा, प्लस MB फ्री, 1 GB 2 GB MB भी मिल जाएगा, जिससे आपको बड़ा आसानी होगा और जाने के बाद आप वहाँ भी सिम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बेहतर बिजनेस पर्पज़ से लिए अनलिमिटेड पैकेज है और ये एयरटेल का है। दूसरा पैकेज हमारा, अगर कोई बंदा जियो का सिम चला रहा है तो जियो में 1100 रुपये का रिचार्ज है, तो जियो का आप रिचार्ज कर लीजिए, वो भी आप जियो के इंटरनेशनल रोमिंग पैक पे देख सकते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन आता है वोडाफोन और आइडिया, जो भी जो सिम यूज कर रहा है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाइए www.internationalroamingpack
आप जब डालेंगे तो उसमें लिस्ट आ जाएगा, पूरा लिस्ट लिखा रहेगा, आप लिस्ट देखकर आप उसी तरीके से रिचार्ज करें। हमें जो पता है, जो एक्सपीरियंस है, वो ओनली एयरटेल का है। हमने 446 का रिचार्ज करके गया था, वहाँ जाने के बाद मैं फिर एक बार 446 का कराया था तो 75 मिनट मुझे मिला था। तो जो भाई मेरे जा रहे हैं दुबई के अंदर जा रहे हैं, तो 446 का सबसे बेस्ट बैलेंस है, इसी बैलेंस को डला के ही आप आगे काम करें। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक भी करो, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो। ओके दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, या कोई चीज़ पूछना हो दुबई के बारे में, दुबई के पर्पस के बारे में, कुछ भी एक्स वाई जेड आपको पूछना है तो कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह मैं उसके विषय में आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।